हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। मैथ्स एंड मोर पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैंने पहले ही बताया था कि जब प्रिपरेशन हो जाती है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, तो सिंपल पर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और पहले मैंने सुपर 20 के बारे में बताया था, इसमें 20 आपका सिंपल पर हैं, 10 सॉल्व हैं और 10 अनसॉल्व हैं। ठीक है, ये फुल मार्क्स जो आपका आपका प्राइवेट लिमिटेड का है। और पहले भी मैंने इसमें से क्वेश्चंस आपको बताए थे कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। और आज भी कुछ मैं क्वेश्चंस इसमें से लेकर आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये सिंपल पेपर पे आपका 15 है, 15 के मैं क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है उसी क्वेश्चनों को ज़्यादातर मैं ले रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है, इफ़ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रेंगिल फॉर्म बाई द पॉइंट a, b, b, c, c, a इज एट ओरिजिन, देन aq + bq + cq की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन ये दिया है आपका कि ये आपका सैंपल पर 15 है अनसॉल्व और इसका क्वेश्चन नंबर ये 2 है। तो इसमें ये कह रहा है कि इफ द ट्रेंगिल का ये जो पॉइंट दिया हुआ है ABC, ये कोई भी ट्रेंगिल मान लो, तो ये आपका पॉइंट a, b, b, c और c, a दिया है। इस ट्रेंगिल का जो सेंट्रॉयड दिया है, सेंट्रॉयड दिया ओरिजिन 0, 0 पे, तो आपको पूछ रहा है कि aq + bq + cq की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये पहले आपको ये देखो कि सेंट्रॉयड क्या होता है किसी भी ट्रेंगल का। तो जो मीडियन होता है आपका, मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, मीडियन तीनों मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो ये आपका सेंट्रॉयड होता है। इसको जी से डिनोट करते हैं। और जी का जो फार्मूला होता है, ये आपको इसमें जो मेन फार्मूला होता होता है x1 + x2 + x3 / 3, क्योंकि आपको ये तीन पॉइंट यदि दिया है x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ पे x3 y3, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। फिर y कोऑर्डिनेट आता है y1 + y2 + y3 / 3, ये तो आपका बेसिक हो गया। अब ये जो g दिया है सेंट्रॉयड, ये आपका ओरिजिन दिया है 0, 0, 0, 0 दे रखा है। अब इससे जो आप केवल x कोऑर्डिनेट को भी ले लेते हो, तो यहाँ पे देख रहे हो x1 का जगह a है, x2 का जगह b है और x3 का जगह c है। तो आप यहाँ से लेते हो a + b + c / 3, फिर यहाँ से लोगे तो ये आएगा b + c + a / 3। मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कितना आपको केवल MCQ के लिए करना है इसमें। तो सिंपली आपको ये दिया है 0, 0। अब ये क्या होगा, ये x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट आप कंपेयर करोगे तो 0 = इसमें आ जाएगा a + b + c / 3। इसका मतलब ये होगा कि a + b + c की वैल्यू 0 हो गई। जब ये आपका 0 आ गया और आपको aq + bq + cq की वैल्यू निकालनी है, तो 9th क्लास में अपने पढ़ा होगा इफ़ a + b + c = 0, देन क्या होता था, aq + bq + cq = 3abc, ये फार्मूला होता था। तो आपका जो इसमें आंसर होगा aq + bq + cq = 3abc, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है बुक में, पहला ऑप्शन ही है आपका। ए ऑप्शन में दिया था 3abc, बी ऑप्शन में दिया a + b + c, सी ऑप्शन में दिया है abc और डी ऑप्शन में दिया है 3 (a + b + c). तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर से एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पे कि इफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रेंगिल फॉर्म बाई पॉइंट a, b, c, a एट द ओरिजिन, देन aq + bq + cq क्या होगा। ये तो मैंने लिख के समझाया कैसे करोगे क्वेश्चन। आपको जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप यहाँ देख के कैसे समझ सकते हो, आपको पता है कि x1 + x2 + x3 / 3 ये आपका 0 दिया है। इसका मतलब हो गया कि ये 0 लिखोगे तो 3 से जाके 0 मल्टीप्लाई होगा, तो ax1 + x2 + x3 = 0 आएगा। और यहाँ देखोगे ए दिया है, यहाँ बी दिया है, सी दिया है, आपसे मिल जाएगा कि a + b + c 0 हो गया। और आपको पता है कि a + b + c जब 0 होता है, तो aq + bq + cq 3abc। तो ये मैंने बेसिक से समझाने के लिए पूरा आपको डिटेल बताया कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अदरवाइज आप ओरल क्वेश्चन को कर सकते हो, और मैंने ये भी बताया कि कैसे आप कर सकते हो बिना पेन कॉपी के, कि आपको x1 + x2 + x3 जब भी सेंट्रॉयड ओरिजिन आपका 0, 0 पे होता है, तो x1 + x2 + x3 भी 3 होता है और y1 + y2 + y3 भी 3 होता है। अब कई बार एक्स और x1 x2 x3 की वैल्यू कुछ और देके y1 y2 y3 की वैल्यू से भी हम निकाल सकते हैं। कई बार ये मान लो कि इसको चेंज कर दिया,
तो बी प्लस सी प्लस ये जीरो, तो इसी को भी जीरो करोगे तो बी प्लस सी जीरो, बी प्लस सी प्लस ये जीरो मतलब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो वी ए क्यू बी क्यू सी क्यू थ्री ए बी सी होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी सैम्पल पेपर 15 का एक क्वेश्चन मैं दूसरा ले रहा हूँ जो कि ज़्यादातर आता है, ये भी क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसमें यह कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ये दिया है ए बाई टू, रूट थ्री बाई टू ए और रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर और डी दिया है ए। तो अब आपको देखो इसमें कोई भी ट्रायंगल आपको दिया है, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल यहाँ दिया है और इसका आपको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड्स निकालना है। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है, ये जो परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये आपके एल्टीट्यूड, मान लो ये ए डी है, तो ए डी की वैल्यू आपको निकालना है कि ए डी की लेंथ क्या होगी। अब साइड आपको ए दिया, ए दिया, ए दिया, ए दिया, तो आपको पता है कि जब ये एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो इसको बाइसेक करता है, तो ये आपका ए बाई टू हो गया, बी डी की वैल्यू ए बाई टू हो जाएगी। जब ए बाई टू होगा ये परपेंडिकुलर हो गया तो आप ए डी यहाँ निकालोगे, ए डी तो अंडर रूट आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, माइनस आएगा यहाँ क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम से। अब ए डी की जो वैल्यू निकालोगे, ए बी की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर माइनस बी डी ए बाई टू है, तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा ये। अब यहाँ से जब निकालोगे तो ये करोगे तो फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बाई फोर होगा, तो ये रूट थ्री बाई टू ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी की वैल्यू कभी भी हम निकालते हैं तो रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू ए साइड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आपको साइड दिया है तो जो आपका एल्टीट्यूड होता है या ए डी होता है ये होता है रूट थ्री बाई टू इंटू साइड। ये आपको ध्यान हो तो आप डायरेक्ट रूट थ्री बाई टू ए इसको जो बुक में दिया है इसको आप मार्क कर सकते हो। मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है यहाँ पे कि सिक्स क्वेश्चन है ये सैम्पल पर 15 का है, ये सिक्स क्वेश्चन है। इसमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन ये कि मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियाई 4, 6, 8 एंड 10, तीन आपका मेटेलिक स्फेयर है, उसका रेडियाई दिया है 6, 8, 10 आर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फेयर, द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर 10 दिया है ऑप्शन में, फिर आपको 11 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 13 दिया है। अब आपको ये समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे तीन स्फेयर दिए हुए हैं, तीन स्फेयर दिए हुए हैं, एक स्फेयर ऐसे आपका है, एक स्फेयर ऐसे है, एक स्फेयर ऐसे है, तीनों को प्लस करके एक आपका स्फेयर बना रहे हैं, तीनों को स्फेयर को मेल्ट करके ये स्फेयर दिया, स्फेयर मतलब गोल आपका हो गया, गोला जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, इसका रेडियस दिया है, इसका रेडियस दिया है, इसका रेडियस दिया है। ये R1 मान लो, R1 आपको यहाँ पे 6 दिया है, R2 आपको यहाँ पे 8 दिया है और R3 यहाँ पे आपको 10 दिया है, ये आपको दिया होगा। फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये सैंपल पर आपका 15 है, ये आपको फिर दिया है यहाँ पे कि मेल्टेड आपका रेडियाई दिया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इनको मेल्ट करके एक सिंगल बनाया गया, हमने इसको मेल्ट करके एक सिंगल हमने यहाँ पे एक स्फेयर बना दिया, ये मेल्ट करके सिंगल स्फेयर बन गया, तो इसका आपको रेडियस बताना है। अब देखो किसी भी चीज़ को मेल्ट करके आप एक में कन्वर्ट करते हो तो तीनों का वॉल्यूम जो होता है सेम होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा वो इस V के इक्वल आएगा। और आपको स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो आपका होता है 4/3 πr³³ हो जाएगा प्लस 4/3 πr²³ हो जाएगा प्लस 4/3 πr³³ हो जाएगा इक्वल टू ये 4/3 πr³ हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ये तीन जो स्फेयर था, तीनों स्फेयर को मेल्ट करके हम एक सिंगल स्फेयर बना रहे हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये V के आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये 4/3 π दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से ये कट जाएगा, 4/3 π यहाँ से कॉमन लोगो तो बचेगा r³ प्लस r²³ प्लस r³³ इक्वल टू ये 4/3 πr³। ये देख रहे हो कट गया।
अब आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तीन स्फेयर को कभी भी मेल्ट करके एक स्फेयर बना रहे हैं या चार को बना रहे हैं, तो सिंपली उसका आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर, आर थ्री स्क्वायर, आर फोर स्क्वायर इक्वल टू जो बड़ा बनेगा वो आर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि फोर पाई कॉन्स्टेंट है, दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब ये आपका सिक्स क्यूब है प्लस ये आपका एट क्यूब है प्लस आपका ये टेन क्यूब है, ये आपका आर क्यूब दिया है। हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों के क्यूब करके जोड़ने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, सिक्स को हम लिख सकते हैं, सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री का क्यूब, इसको ध्यान समझना है, टू इंटू थ्री का क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं टू इंटू फोर का क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं टू इंटू फाइव का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि टू क्यूब आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, टू क्यूब कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा आपका यहाँ पे थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब प्लस फाइव का क्यूब। टू का थ्री का क्यूब 27 होता है, फोर का क्यूब 64 होता है और फाइव का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको जब आप जोड़ोगे तो 216 आएगा, ये जो 27, 64 और 125, 216, 216 आएगा जो कि 6 का क्यूब होता है, तो ये 2 का क्यूब इंटू क्या हुआ, 6 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। यहाँ से आपको आर की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट हटा लोगे तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 12 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 12 सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आपका तीन क्यूब को जोड़, तो आपको ध्यान भी रखना है कि 6 और 8 और 10 इसका जो आता है ये आपका यहाँ पे 12, देख रहे हो दो दो का गैप आ रहा है, तो 6, 8, 10 तो ये आपका 12 सेंटीमीटर होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों का क्यूब जो होगा इसके क्यूब के इक्वल होता है। यहाँ पर आपकी एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि 3 का क्यूब, ये ध्यान, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताता हूँ कि 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब ये आपका 6 के क्यूब के इक्वल होता है। कभी भी इस तरह 3, 4, 5 का भी दे देता है तो आपका 6 आएगा, उसी तरह इसका डबल कर दोगे तो आपको ये मिल गया ना 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस आपका 10 का क्यूब, ये आपका 12 क्यूब के इक्वल होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखने से हम डायरेक्ट आंसर हम इसमें मार्क कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन ये, तो इसमें जो आंसर था आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर सी था। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन में देता हूँ होमवर्क में, खुद करना आप लोग और इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये दिया है यहाँ पे, 10th क्वेश्चन है इसी सिंपल पेपर का, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डाइज इज थ्रोन वन, एक डाइज को एक बार फेंका गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपुल ऑफ टू और थ्री, ध्यान से सुन लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपुल ऑफ टू और थ्री बोला है, एक डाइज को एक बार फेंका गया, वन टाइम्स थ्रो किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ये डाइज इज थ्रो वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपुल ऑफ टू और थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑप्शन दिया है 1/6, 1/3, 2/3 एंड 5/6। फिर बता देता हूँ, ऑप्शन में ए में दिया है 1/6, बी में दिया है 1/3, सी में दिया है 2/3 और डी में दिया है 5/6। आपको आप आंसर बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। जो ये होमवर्क में क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया आपका 1/6, बी ऑप्शन में दिया आपका 1/3, सी ऑप्शन में दिया है 2/3 और डी ऑप्शन में दिया है आपका, डी ऑप्शन दिया 5/6। क्वेश्चन बताया टू और थ्री मल्टीपुल ऑफ 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपुल ऑफ 2 और 3, ये बार बार लिख दिया 2 और 3, कन्फ्यूज नहीं करना, मल्टीपुल ऑफ 2 और 3 का आपका मल्टीपुल बताना है कि इसमें क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप कमेंट बॉक्स में ए बी सी लिख सकते हो या इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, जो भी मैंने यहाँ आप लोगों को समझाया मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको यदि ये समझ में आ रहा है तो इसको आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट कर बता सकते हो, कोई सजेशन हो तो बता सकते हो, कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप यहाँ पे 10th की जो भी मैथ्स की प्रिपरेशन आप कर रहे होगे तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।